हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आई टी आर इंडियन ट्रेड एंड रिलीजन्स। एज़ यू नो कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ न्यू वीडियोस लेके आती हूँ, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्वीट डिश, एक डेजर्ट जो कि आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। बिफोर दैट आई वॉन्ट प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन माई चैनल एंड द बेल आइकॉन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू माई चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर डिश। एक्चुअली हम लोग गुलाब जामुन यूजली मावे के बनाते हैं, पर इसमें मैं आपको सूजी के गुलाब जामुन बनाना बता रही हूँ जो कि एक परफेक्ट डेजर्ट है। तो आप कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। इसमें आपको जो लगेगा, इलायची लगेगी, शुगर, रवा मीन्स सूजी, वाटर की जगह हम लोग मिल्क का यूज़ करेंगे इसमें, एंड कलर जो खाने का कलर आता है मार्केट में अवेलेबल रहता है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एक भगोनी में पानी डालेंगे, पानी में शक्कर डाल के हम लोग चाशनी बनाएंगे, चाशनी में हम कलर भी डालेंगे, ठीक है। तो चाशनी बनाने के बाद इस तरह से कलर हो जाएगा। उसके बाद हमें तेल चाहिए होगा, दूध, सूजी को हम इस तरह से सेकेंगे, मतलब जैसे हलवा बनाते हैं वैसे ज़्यादा नहीं सेकना है, हमें लिमिटेड सेकना है इसको। इसमें मिल्क डालेंगे हम और उसको पूरी अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छा मिल्क डाल के मिल जाता है। इसमें हम लोग डाल देंगे इलायची, इलायची डाल के इसको अच्छे से डो बनाएंगे, इसको अच्छे से मसल के हाथों पे आप चाहे तो तेल या पानी कुछ लगा सकते हैं ताकि हाथों में चिपके ना आए। इस तरह से पूरा मसल लेंगे और उसको मसलने के बाद इस तरह से एक परफेक्ट डो बना लेंगे जो एकदम पूरा चिकना होता है ताकि हमारे गुलाब जामुन फटे ना। तो उसके बाद हम लोग ऐसी बॉल्स बना लेंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए। बॉल्स बनाने के बाद बॉल्स को तलेंगे, तेल में फ्राई करना है, ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक। तो हमारी गुलाब जामुन की बॉल्स रेडी हो जाती है। अब जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें हम गुलाब जामुन की जो बॉल्स हैं ये डालेंगे और उसको ढक के रख देंगे। सारी बॉल्स डाल के उसको ढक कर थोड़े टाइम के लिए रख देंगे, एक दो घंटे के लिए, ताकि जो चाशनी है वो गुलाब जामुन अच्छे से सोख लें और उनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। और फिर हमारे गुलाब जामुन एक दो घंटे बाद रेडी हो जाते हैं। आप इसे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं क्योंकि ये थोड़े कड़क रहते हैं या थिक रहते हैं तो चाशनी जल्दी ना भर पाए अंदर, इसलिए आप इसको थोड़े और ज़्यादा टाइम 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर रात को बनाएंगे तो सुबह तक एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।